अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सांसद में अपने नाम के साथ अपने पति के नाम को लेकर भी चर्चा में रही हैं। अभी तक ये हुआ था कि जया बच्चन पिछली बार अमिताभ का नाम अपने संग जुड़ने से भिड़ गई थी, उसी के बाद अब जया अमिताभ बच्चन ने अपने आप को संसद में जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किया। नाम को लेकर ये विवाद प्रश्नकाल में हुआ। उनकी आपत्ति पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बदल लीजिए। उन्होंने बताया कि सदन में उसी नाम से बुलाया जाता है जो उनके इलेक्शन सर्टिफिकेट में शामिल है। इसमें बदलाव की प्रक्रिया है, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें उठाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जया बच्चन को सप्लीमेंट्री सवाल पूछे और कहा कि आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जवाब देने को कहा। तब जया बच्चन ने कहा कि इनके नाम के आगे भी इनकी पत्नी का नाम लगा दें। जया बच्चन की बार बार आपत्ति जताने पर भी सभापति ने बताया कि उन्होंने कई बार खुद का परिचय डॉक्टर सुरेश पति के तौर पर दिया है। इसके बाद जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो सुझाव दे रही हैं कि मुझे अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम भी जोड़ना चाहिए। समस्या यही है कि अगर ऐसा करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर सभापति ने चुटकी ली और कहा कि ये आश्वासन कमेटी बैठी है, आपने आश्वासन दिया है, अगले जन्म में भी आप खुद को संसदीय परंपरा में डाल दीजिएगा। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और उन्होंने शादी नहीं की। वो 2014 में सक्रिय राजनीति में आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। लगातार दो बार सीएम बनने के बाद मनोहर लाल 2024 में लोकसभा चुनाव में करनाल से सांसद चुने गए। अब वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। सोमवार को वो राज्यसभा के प्रश्नकाल में वो अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी जया बच्चन उनके नाम के साथ अपने पति का नाम जोड़ने की शर्त रखती, खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा था। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया सराहनीय रही और वो जोर से हंस पड़े। हालांकि इससे पहले भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जब अमिताभ बच्चन का नाम जोड़कर जया का नाम लिया तो अभिनेत्री ने नाराजगी जताई थी। सोशल मीडिया पर जया बच्चन ने बैकलैश के बाद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन के नाम से बताया, जबकि पहले वो इसी पर विवाद खड़ा कर रही थी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।